नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको ये नई मशीन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने अमेज़न इंडिया से मंगाई हुई है। ये देखिए इस तरीके के बॉक्स में ये शिप होती है। ओपन मैं इसे कर चुका हूँ, आपको भी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो ये बाहर का बॉक्स है, इसके अंदर दूसरा बॉक्स है। तो इस तरीके की पैकेजिंग है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये प्रिमिंग पाइप है। ये तकरीबन 2 से 2.5 मीटर की प्रिमिंग पाइप है, अच्छी क्वालिटी की प्रिमिंग पाइप है, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये एक्सटेंशन रॉड। ये 25 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 फुट की, 1 फुट लंबी एक्सटेंशन रॉड है। ये गन के आगे लगेगी और गन की रीच को बढ़ाएगी। ये दोस्तों एक पाउच भी है साथ में। इस पाउच के अंदर आपको अडाप्टर्स एंड कनेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। ये एक शैम्पू डिस्पेंसर है बेसिकली, ये सिर्फ शैम्पू को डिस्पेंस करने के काम में आता है। इसके अलावा फ़िल्टर्स हैं, नोज़ल क्लीनिंग पिन है, ये देखिए ये फ़िल्टर है, ये भी फ़िल्टर है, और ये 2 कनेक्टर्स हैं, अडाप्टर्स हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये वारंटी कार्ड है स्टार्क्यू की तरफ से, पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यहाँ भी ये भी वारंटी कार्ड टाइप का ही लग रहा है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और अमेज़न का बिल है, ठीक है। तो अब देखते हैं और क्या क्या निकलेगा अंदर से। दोस्तों ये है हाई प्रेशर होज़, ये फाइबर ब्रेडेड हाई प्रेशर होज़ है। ये तकरीबन 8 मीटर की फाइबर ब्रेडेड हाई प्रेशर होज़ है, तो इसे हम अभी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा लास्ट में एक्सेसरीज़ में हमारे पास ये गन आती है। तो अच्छी क्वालिटी की गन है, जो पहले बाकी प्रेशर वॉशर्स के साथ आती हैं उससे थोड़ी डिफरेंट गन है, और पकड़ने में भी काफ़ी अच्छी फील हो रही है। ट्रिगर भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब अंदर सिर्फ मशीन बची हुई है, तो चलिए जल्दी से मशीन को भी बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये है स्टार्क्यू की AWB 2400। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 वाट्स की पावर है, 180 to 280 bars, और मैक्सिमम प्रेशर, रेटेड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये है इसका इनलेट, तो प्रॉपरली कवर करके दिया हुआ है, ठीक है, कोटेड मटेरियल है। और यहाँ पे इस बारी 2400 वाट में ही आपको ये प्रेशर कंट्रोल नॉब भी मिल रही है। तो इनका जैसे बाकी स्टार्क्यू W6 है, जो 2400 वाट का दूसरा मॉडल है इनका, उसमें ये नॉब नहीं आती है प्रेशर कंट्रोल, बट यहाँ पे आपको अब नॉब भी मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये है प्रेशर गेज, प्रेशर इस पे ही आएगा। और यहाँ पे है ऑन ऑफ स्विच, इससे हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग्स AWB 2.4, यानी कि 2400 वाट, ठीक है। ये इसकी इस साइड वाली साइड है, और यहाँ पर इसका पंप है, ठीक है, ब्रास का मटेरियल लग रहा है। और ये देखिए नीचे मोटर भी, ये पंप। चलिए जल्दी से अब इसके साथ एक्सेसरीज फिट करते हैं और इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है इसका इनलेट और ये है इसका आउटलेट, तो जल्दी से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रेशर होज है, यानी कि आउटलेट। आउटलेट में हम इसे जोड़ रहे हैं, ये फ़िल्टर हम लगाएंगे, और प्रेशर होज का दूसरी साइड जो है वो लगेगी गन के अंदर। तो यहाँ पे हम प्रिमिंग पाइप में अडाप्टर लगाएंगे। तो अडाप्टर लगाने के लिए पहले इसे खोलिए पीछे से और रिंग को पाइप के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद पाइप को अडाप्टर में फिट कीजिए अच्छी तरह से, पूरा ध्यान रहे पूरा अंदर घुसेगी इसके, और उसके बाद रिंग को टाइट कर दीजिए। उसके बाद ये अडाप्टर जो है ये इस फिल्टर में कनेक्ट होगा। अच्छे से इसको घुसा दीजिए, ये कनेक्ट हो गया। तो अब इस गन में हम ये एक्सटेंशन रॉड भी फिट करेंगे। सबसे पहले इस नोज़ल को ओपन करिए। ये एक्सटेंशन रॉड जो है ये गन में इस तरीके से लग जाएगी, और उसके बाद दूसरे एंड पर
आपकी नोज़ल वापस फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मोटर कनेक्टेड है, पाइप वगैरह भी लग गई हुई है, गन कनेक्टेड है। अभी मोटर को ऑन कर दिया, अभी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन ने बड़ी ही आसानी से सीमेंट को काट डाला। तो दोस्तों प्रेशर इसका वाकई बहुत ज़्यादा है मशीन का, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। तो चलिए अब वॉशिंग स्टार्ट करते हैं। तो फोम कैनन जो हम इस मशीन के साथ यूज़ करेंगे वो है स्टारक्यू की हैवी ड्यूटी फोम कैनन न्यू अपडेटेड वर्शन। इसका मैंने फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। तो ये इस तरीके की फोम कैनन है, और इसके साथ आपको ब्रास की थ्रेड भी मिलती है, ताकि जो प्लास्टिक की थ्रेड है वो ख़राब ना हो और उसका नुकसान ना हो। यहाँ पे हमारी फोम कैनन रेडी हो गई है। अब फोम कैनन को गन में अटैच करने के लिए गन की ये नोज़ल खोल लीजिए, और इस नोज़ल की जगह आप लगाइए फोम कैनन के साथ ही फ्री मिलने वाला क्विक कनेक्टर, और इस क्विक कनेक्टर में बाद में आपकी फोम कैनन कनेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अब आपका ये प्रेशर वॉशर फोमिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे सुपर थिक फोमिंग हुई है, और आप लोगों को पता ही होगा कि सुपर थिक फोमिंग होने का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि प्रेशर वॉशर का प्रेशर और LPM हाई होना चाहिए, और वो दोनों क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं। तो अब फोमिंग के बाद गाड़ी को वॉश करते हैं, और वॉश करने के लिए हम QC कनेक्टर में नोज़ल टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वाइट कलर की नोज़ल टिप मैंने लगाई हुई है, ये पूरा सेट होता है डिफरेंट कलर्स का। तो जो फोम कैनन के साथ हमें QC कनेक्टर फ्री मिला था, उसमें आपकी नोज़ल टिप्स भी लग सकती हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि QC कनेक्टर और फोम कैनन इस प्रेशर वॉशर के साथ मैंने नहीं मंगाया हुआ, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्रेशर कंट्रोल नॉब की वर्किंग, तो इससे आप प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फीचर है, 2400 वाट के प्रेशर वॉशर में पहली बार ये फीचर देखने को मिला है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी इस मशीन के बारे में बताने वाली चीज़ें थी मैं सभी आपको बता चुका हूँ। होपफुली आपको ये मशीन जो है अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा अमेज़न का, वहाँ पर जाके इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, इसकी प्राइस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो अंडर 10,000 की ही मशीन है ये, लिंक पे जाइए एक्चुअल प्राइस चेक करने के लिए। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसा ही जैसा कंटेंट आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय।